Hello friends, welcome to our YouTube channel BHU Bachelor. You know, today is very special day. Today is Teacher's Day, and on this special occasion, first of all, wish you all very happiest Teacher's Day. BHU Bachelor team की तरफ से आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं. खुश रहिए, जीवन में तरक्की कीजिए. And now here, three Guru months for you all. Yes, three Guru months for you all for your better results, right? By the way, what are these three Guru months? So Guru Mantra first है revision. You know, revision is very important in every field. And here you are preparing for entrance exam. Here revision is must. अब ये revision कैसे करनी है? Formality वाली नहीं करनी. Topic उठाया आपने, topic आती है. ये revision बिल्कुल नहीं करनी है. ये formality वाली revision हो जाती है जनाब. ये revision नहीं करनी है. Topic उठाओ और one day by day उसको schedule कर लो कि तुम two और three topics जो है आप उसको पढ़ोगे, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल कर लो. अब ये टॉपिक्स को उठाओ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करो. जो एमसीक्यूज नहीं आ रहे वो है तुम्हारा वीकर पोर्शन. मिल गया वीकर पोर्शन? वीकर पोर्शन खोजना है, अब उसको स्ट्रॉन्ग करो. ये होता है असली रिवीजन. वीकर पोर्शन को तुमने खोजा और उसको स्ट्रॉन्ग किया, बचे हुए इन दिनों में स्ट्रॉन्ग करते चलना है. इसको कहते हैं परफेक्ट वाली रिवीजन. तो ये हो गई तुम्हारी रिवीजन. ओके, नाउ सेकंड, फर्स्ट हो गया रिवीजन, नाउ सेकंड गुरु मंत्र इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम. दोस्त, टाइम की वैल्यू को समझ लिया ना, सब कुछ कर लोगे ज़िंदगी में. देखो, वैल्यू कर लो टाइम की. अब ये टाइम की वैल्यू कैसे करनी है? वीडियो ख़त्म होने के बाद अब भी अपना एक शेड्यूल बनाना. अब ये शेड्यूल कैसे बनाओगे तुम? मैं हेल्प कर देती हूँ. 3² × 2 को फॉलो करो, बस इतना काफ़ी है. 3² × 2, 3² × 2 क्या है? वो दिन में के 2 घंटे कोई भी उठा लो, और इन 2 घंटों में तुम्हें GK और GS के MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है? GK और GS के तुमने MCQ सॉल्व किए. इसमें जितने भी तुम्हें टॉपिक नहीं आए, जितने भी तुम्हारे टॉपिक गलत हुए, उसको एक पेज पे नोट करते चलो. नोट करके उस पेज को बंद करके रख दो. 2 घंटे पढ़ लिया, फिर अब ब्रेक ले लो, ठीक है? कंटिन्यू नहीं पढ़ना, ब्रेक ले लिया, चलो. अब उसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है? 3 घंटे का फिर से गोल सेट करो. बैठो, बुक उठाओ और वो पेज उठाओ जिसमें तुमने टॉपिक्स लिखे थे जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहे थे. अब उन टॉपिक्स को उठाओ, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो. उसके आगे पीछे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ते चलो, पूरा कवर होता चलेगा, ठीक है? ऐसे रिवाइज करना है, ऐसे पढ़ते चलना है. 3 घंटे ये तुम्हारे हो गए, 5 घंटे हो गए. अब बचा तुम्हारा 1-3 घंटा. इस 3 घंटे में क्या करना है तुम्हें? अब 3 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक ले लेना, उसके बाद फिर 3 घंटे का सेट करना गोल. और इस 3 घंटे में तुम्हें मैथ्स और रीजनिंग की कोई PDF उठा लो. तुम्हें ऐप पर PDF मिल जाएगी, वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग और मैथ्स के. या फिर तुम्हारे पास अगर बुक अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है. मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग जनाब मोर एंड मोर प्रैक्टिस मांगता है. मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज क्या होता है ना कि मैथ से क्वेश्चन आते रहते हैं, बट लैक ऑफ टाइम हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, छोड़ के आ जाते हैं. तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है? अमित सर की क्लासेस आ रही है, उसमें प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, उसे भी अटेंड करोगे बहुत बेटर रहेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा. तो वेल, मैथ्स और रीजनिंग के तुम्हें सॉल्व करने इतना बहुत है. आराम से 6 से 7 घंटे की नींद लो, उसके बाद जो तुम्हारे बचे हुए टाइम है उसमें थोड़ा सा इन्जॉय कर लो, फैमिली के साथ थोड़ा सा हंस लो, अच्छा लगता है, मूड फ्रेश कर लो, ठीक है? तो 3² × 2 को भी अगर फॉलो करते हो ना तो बहुत है, ठीक है? और हाँ, बाय द वे, जो तुम्हारा ये रिवीजन वाला मैंने बताया कि टॉपिक उठा के तुम रिवाइज कर रहे हो, तो इसमें तुम 3 घंटे की जगह 4 घंटे भी कर सकते हो. देख लो कि तुम्हारे कितने टॉपिक फंस रहे हैं उस अकॉर्डिंग. ओके, तो ऐसे अगर पढ़ोगे तो बहुत होगा. तो वैल्यू करो टाइम की, और ये ध्यान रखना कि 3 घंटे तुमने बुक उठाया है पढ़ने के लिए तो तुम वो बुक ही पढ़ रहे हो. उस बीच में तुमने नॉवल और कॉमिक्स निकाल के पढ़ना शुरू नहीं किया है. अगर तुमने यूट्यूब उठाया है लेक्चर देखने तो तुम लेक्चर ही देख रहे हो, तुमने शॉर्ट्स देखना स्टार्ट नहीं किया है. खुद से ऑनेस्ट बनो, खुद के प्रति ऑनेस्ट बनना सीखो, ठीक है? हम देखने नहीं आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो. पेरेंट्स फ़ोन में घुस के देख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हो. खुद के प्रति ऑनेस्ट बनो, ठीक है? खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो. आपको पढ़ना है, और सुनो, ध्यान दो, आगे उड़ान भरनी है. उड़ान भरने के लिए तुम्हें पंख अभी तैयार करने होंगे, और पंख बनाने में जितना टाइम दोगे उतना ही मजबूत पंख बनेगा, और उतनी ही उड़ान तुम ऊँची भर पाओगे. तो ध्यान दो कि तुम पंख बनाने में अपना टाइम दे रहे हो या फिर इधर उधर के कामों में दे रहे हो. ध्यान देना, ठीक है? ऑनेस्ट बनो. नाउ हियर थर्ड गुरु मंत्र. थर्ड गुरु मंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है, और ये आपके नीर सर के द्वारा दिया गया है. एक्चुअली ही इज़ बिजी, सो उन्होंने बोला कि मैम आप इसे मेंशन कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. वेल, गुरु मंत्र थर्ड आपका है. जितने भी आपके शॉर्ट टॉपिक्स हैं, ओके, शॉर्ट एंड बेसिक टॉपिक्स, आपको डेली डोज प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट टैग लगा करके. ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. आप क्या करते हो कि इसको स्किप करते चलते हो, और यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं. ध्यान दो, घर में चाकू गुम होता है तो मम्मी परेशान नहीं होती है, लेकिन छोटी वाली सुई जब गुम होती है तो मम्मी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि जब वो चुभती है ना, दिखती तो नहीं है लेकिन जब चुभ जाती है तो बहुत दर्द होता है. ध्यान रखो, जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चलो. बहुत बड़ा नहीं है, बहुत वास्ट नहीं है, छोटा है,
सिंपल वर्ड स्टैटिक जीके, पूरा स्टैटिक जीके कवर कर लो। अभी स्टैटिक जीके क्या होता है बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, देखो मैं आपको बता रही हूँ। स्टैटिक जीके में आपका ये छोटे बड़े सब आप पढ़ते हो, मिसलेनियस में जो आप चीज़ें पढ़ते हो, फिर आप जो करंट की चीज़ें पढ़ रहे हो, क्या है वर्तमान में कौन क्या, ये सारे टॉपिक्स बेसिक लग रहे हैं सुनने में ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना। ओके, सो ये आपके थे 3 गुरु मंत्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका रिवीजन, और रिवीजन कैसे करना है ध्यान देना, टाइम का वैल्यू करो। टाइम का वैल्यू अगर कर लिया ना, पंख बनाने में जितना ही टाइम दोगे पंख मजबूत बनेगा, उड़ान उतनी ऊंची भर पाओगे। ध्यान देना, माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना बिल्कुल। और तीसरा है कि शॉर्ट टॉपिक पर भी ध्यान दो, स्किप नहीं करना है कोई भी टॉपिक, स्टैटिक जीके कवर करना है। ओके बाय, थैंक यू, मुस्कुराते रहिए और इसको फॉलो कीजिए, ठीक है।